ही डाउन 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 यस ही डाउन रात का छापा नहीं चलेगा चलेगी या रात का छापा नहीं चलेगा वेरी गुड यस यस ही चैंपियन हाय हाय जी बॉर्डर हाय हाय जी बॉर्डर हाय हाय सर अब स्टेटमेंट नहीं है एक दो पॉइंट कल रात को मिडनाइट थी तो कुछ आर्मड मैन आए जो हॉस्टल में घुसे 11-12 बजे थे हम एग्ज़ाम चल रहे तो सब एग्ज़ाम्स की तैयारी में थे तो ऊपर से शोर आए कि नीचे कुछ लोग आए जब हम नीचे आए तो वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे तो जो हॉस्टल के बड़े लोग हैं जो सीनियर्स हैं उन्होंने उनसे बात की थी आपके पास वारंट है या आपके पास कोई रीज़न है यहाँ आने की उन्होंने कुछ नहीं कहा कि और आपका कोई यूनिवर्सिटी ऑफिशियल आपको साथ है ना ही कोई यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साथ था और उन्होंने गेट के ऊपर से भी आए थे वो गेट बंद था उस वक्त यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल भी साथ नहीं था तो उसके बाद जब उनके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ तो उसके बाद उन्होंने थ्रैश किया कुछ स्टूडेंट्स के जिसमें एक स्कॉलर जो था वो क्रिटिकली इंजर्ड हुआ उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सिकमज शिफ्ट किया गया थे अब हम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सुबह से बारिश में हम यहाँ पर अभी तक कोई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नहीं आया हमारे पास यहाँ तक कि जो चीफ वार्डन है हॉस्टल का बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तक आज तक चीफ वार्डन को जानते नहीं है 3 साल हो गए और जब वो आया ही वॉज सो एरोगेंट और उसने ये भी नहीं पूछा बेटा आप ठीक हो कल आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ आप सब ठीक हो कोई चीज आपको किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं आप सब सेफ हो ही वॉज बिहेविंग सो एरोगेंटली यूनिवर्सिटी जो कहती है वो कहती है कि हम आपको पूरी तरह से सिक्योर नहीं कर सकते जबकि और आप यूनिवर्सिटी ये भी कहते हैं वीसी भी कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी को छोड़ भी सकते हो जबकि उनकी हमारी सिक्योरिटी उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है और वैसा नहीं हुआ इसलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे ना ही हम किसी फैकल्टी मेंबर को बाहर निकलने देंगे जब तक और ना ही यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम होगा तब तक जब तक हमारी सिक्योरिटी जब तक हमें ना मिले और जो हमारी डिमांड्स है उनके खिलाफ एक्शन ना हो उनका कहना शायद पूरी तरह से सही नहीं है हम सुबह से इस पर लगे हुए हैं हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जो है ही हैज बीन इन टच विद ऑल द फंक्शनरीज स्टेट फंक्शनरीज विद द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट तो हम इस पर लगे हुए हैं वी आर ट्राइंग टू गो डीप इन टू द फैक्ट्स और ये बच्चों को लग रहा है कि हम शायद कुछ नहीं कर रहे हैं कि बिहाइंड द स्क्रीन वी सब इज आइटेड चीफ वार्डन इज आइटेड वार्डन इज आइटेड अवर प्रॉक्टर जो हैं चीफ प्रॉक्टर हमारे प्रॉक्टर्स हैं सब लगे हुए हैं इसके एंड वी सी इट कि ये क्यों ऐसा क्यों आया मौका आया उनको कि वो सिक्योरिटी फोर्स जो है हॉस्टल के अंदर चले गए एंड वी आर लुकिंग एट द अदर एंगल आल्सो कि अगर सिक्योरिटी फोर्स को उसको हॉस्टल के अंदर चला ही जाना था तो दे शुड हैव टेकन द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोर्ड कम से कम वार्डन जो हमारे बिल्कुल नज़दीक में ही रहते अच्छा रहता कि अगर वार्डन साहब को वो साथ ले जाते क्योंकि अंदर जब बच्चे हैं जवान बच्चे हैं देयर नंबर इज मोर देन 100 एंड व्हेन द सिक्योरिटी देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अप्रिहेंशन ऑफ टेकिंग एनी मिसहैप taking place between the students, between the young students and the security forces. So it was in the fitness of things कि अगर शायद security forces जो अगर उनको जाना ही था हम तो रोक भी नहीं सकते थे उनको लेकिन अगर वो warden को अपने साथ ले जाते so things would have been not that difficult, not that challenge.